हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं नागालैंड। हाँ, तो अभी हम लोग फ़िलहाल तो है मीन्स डिमापुर से 30 मिनट्स मीन्स दूर पे। हम लोग को डिमापुर पहले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे कोहिमा। तो कैसा प्रोसेस है, कैसे जा रहे हैं, क्या फ़ीस है, ये सब कुछ हम लोग पहले डिमापुर चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाके वहाँ पे जाके सब कुछ डिस्कस करेगा। क्योंकि डिमापुर में हम लोग का पिकअप पॉइंट है, जो हम लोग मीन्स टूर एंड ट्रेवल से जा रहे हैं, उन लोगों का पिकअप पॉइंट है डिमापुर रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम लोग को आई थिंक सीडान या तो बस या तो कुछ भी ट्रेवल कुछ करने के लिए देगा, जहाँ से हम लोग जाएंगे कोहिमा। सो चलते हैं, फिर बोलते हैं। सो हम लोग अभी डिमापुर स्टेशन पहुंच गए हैं। तो ये रहा पीछे डिमापुर स्टेशन। सो अभी यहाँ से हम लोग को मीन्स जाना है कोहिमा, क्योंकि कोहिमा में हम लोग का आइटिनरी में थोड़ा बहुत 2-3 जगह है घूमने के लिए। तो वहाँ पे जाना है पहले, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे जखामा। फिर हम लोग का रुकिए, पीछे में बहुत आवाज़ आ रहा है। सो जखामा में जाने के बाद हम लोग का आज रात को वहाँ पर ही स्टे है गेस्ट हाउस में। तो आज का प्लान कुछ ऐसा ही है, बीच बीच में आपको सीनरी दिखेगा, फिर बहुत कुछ दिखेगा क्योंकि ये पूरा माउंटेन एरिया है। बाकी आप देखते रहिए। तो अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रुका है, मीन्स ऐसे वॉशरूम ब्रेक होता शायद। हाँ, नहीं रुकने से भी होता, क्योंकि हम लोग को भूख लगा भी नहीं है ना वॉशरूम लगा हुआ है। लेकिन जो पीछे सीनरी है वो देखिए आप लोग पहले। तो यहाँ पे धूप एकदम मीन्स सर के ऊपर कहाँ है यहाँ पता नहीं, हमको खुद को नहीं दिख रहा है। धूप एकदम सर के ऊपर है, इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा, हमको खुद को नहीं दिख रहा। हाँ, अभी ठीक है, ऐसे करके ब्लॉक करना पड़ेगा रे हम लोग को। और बहुत ज़्यादा धूप दे रहे हैं। और अभी तो फिलहाल मीन्स उतना गर्मी नहीं लग रहा है जितना नीचे पे लग रहा था मीन्स स्टेशन के सामने। तो वहाँ पे मीन्स यहाँ पे मीन्स हाँ थोड़ा टेम्परेचर भी कम है, लेकिन हाँ सन लाइट एकदम अच्छा से दे रहे हैं। सो आगे जाके ब्लॉक करता, क्योंकि यहाँ पे करके फ़ायदा नहीं है, फेस ही नहीं दिख रहे। हम लोग अभी यहाँ पे वर्ल्ड सिमेट्री के सामने पहुँच गए। अब ये हम लोग का सेकेंड लोकेशन है यहाँ पे, सेकेंड नहीं मीन्स फर्स्ट लोकेशन है जो हम लोग को घूमना है। तो अभी चलते हैं, क्योंकि हम लोग को जो गाड़ी में हम लोग आया था वो हम लोग को मार्केट का मीन्स एकदम बीचों बीच में छोड़ दिया, हम लोग को चल चल के ऊपर तक जाना है। थोड़ा ऊपर है मीन्स आगे जाके जाना पड़ेगा, देखते हैं। और फिर यहाँ से हम लोग को दूसरा गाड़ी में हम लोग को मीन्स लेके जाएगा, फिर मीन्स यहाँ से हम लोग को क्या जगह हेरिटेज विलेज। ओके, तो अभी तो फिलहाल हम लोग कोहिमा में है, फिर नेक्स्ट स्टॉपेज जो होगा वो विलेज जहाँ पे जाना है वहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग जाएगा जखामा रिसोर्ट पे, रिसोर्ट या तो होम स्टे है वहाँ पे जखामा में हम लोग का। Thank you.
तो हम लोग पहुंच गए, ये रहा पीछे में पूरा। जो लास्ट ट्रिप था लद्दाख में तब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, यहाँ पे हम लोग बस दोनों ऐसा अकेले मतलब कुछ भी नहीं, हम लोग खाली रील्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं बस उतना ही, और धूप फिर से दे रहे हैं लेकिन तो भी मीन्स हाँ टेम्परेचर थोड़ा कम है वो ये। तो अभी सोच रहे हम लोग क्या करें क्या कह रहे, क्योंकि कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जगह ऐसे बहुत सुंदर है मानना पड़ेगा। गाइस हम लोग ऊपर जाकर कुछ नहीं किया, जस्ट हम वीडियो बनाने के लिए एक दीवार से और एक दीवार पे खाली कूदे जा रहा था, जो रीटेक बार बार आ रहा था, और बाकी ये सब करने के बाद एक बोर्ड पे लिखा हुआ था डू नॉट जंप फ्रॉम वॉल एंड और वॉक ऑन वॉल, लेकिन पहले हम कर लिया फिर उसके बाद ये पड़ा तो मेरा कोई भूल नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड इसको ऐसे घूर रहा था, हम पहले से वो अभी भी हम वॉल पे चल रहे हैं। अरे अरे आगे नहीं है कुछ, तो अभी हम लोग का वॉर सीमेंट्री का पूरा एक्सप्लोर करना हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। हम लोग का नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पे? किसेमा हेरिटेज विलेज, जो रिको किसमिस बुलाता है किसमिस विलेज। मीन्स हमको हम पढ़ा नहीं ठीक से तो हमको समझ में नहीं आया, और हमको सुनाई भी नहीं दिया था ठीक से जब बोला था इन लोग ने। तो अभी वहाँ पे जाने वाले हैं, हम लोग रुका हुआ है क्योंकि हम लोग को अभी दूसरा गाड़ी पे जाना है, जो जिस गाड़ी से हम लोग ट्रैवल कर रहा था वो गाड़ी हम लोग को खाली यहाँ तक ही छोड़ने आया था, अभी यहाँ से हम लोग को दूसरा गाड़ी में जाना है। तो अभी हम लोग ने ट्रैवल एजेंसी को कॉल किया, अभी देखते हैं कब तक आता है, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे ही रुका हुआ है। और गर्मी अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ तो अभी धूप बहुत दे रहे हैं, मतलब ठंड लग, मतलब हवा ठंडा है लेकिन ना, हाँ मीन्स माउंटेन एरिया है बोल के यहाँ पे हवा ठंडा दे रहा है, लेकिन वो धूप एकदम हार्श वाला धूप रहता है वैसा टाइप का दे रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ पे जाके फिर मिलते हैं। अभी हम लोग है किसमा हेरिटेज विलेज, ये हम लोग का सेकेंड स्टॉप है, और यह जगह एक्चुअली बहुत सुंदर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टेयर में बैठ के फ़ोटो क्लिक कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है और रिलैक्सिंग है क्योंकि पूरा खाली है जगह, मीन्स जहाँ पे फर्स्ट गया था हम लोग वर सीमेंट्री, वहाँ पे मीन्स बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था, लेकिन ये बहुत खाली है, इतना नहीं था कितना भीड़ था हम वीडियो में देख। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है, इसका बात छोड़ो, ये पागल है क्यों बोलो तो, ये पूरा जगह खाली है तो इस हिसाब से तो वो जगह तो मतलब कंपैरिजन में वो भीड़ है उतना ही है। तो उस हम वही बोलना चाह रहे बस, ओके यू विन। ओके सो अभी ये जगह और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है क्या नहीं। ये एक चर्च है आई थिंक सुपर, हाँ ये एक चर्च है, तो हम लोग इसके बाहर ही बैठे हैं, और यहाँ पे कोई फेस्टिवल भी होता है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे होता है अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। तो वही बाकी और देखते हैं यहाँ पे, फोटोज बहुत अच्छा अच्छा है, आप लोग इंस्टा में जाके देख सकते हैं। हाँ, फिर से ये कैमरा फोकस नहीं मिलता। ओके तो अभी हम लोग को भूख भी लगा है बहुत, पता नहीं क्यों, तो पता नहीं अभी 11 बजे लंच, सब लोग ने 11:30 को मीन्स लंच कर लिया लेकिन हम लोग ने नहीं किया, तो अभी क्योंकि वो ब्रेकफास्ट का टाइम था ना इसलिए हम लोग ने लंच नहीं किया। तो अभी हम लोग सोच रहे कि लंच करें या नहीं, मीन्स करने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है। चलो देखते हैं क्या क्या घूम सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जल्दी से होम मतलब रूम में जाओ और फ्रेश हो, कल से अच्छे से फ्रेश नहीं हो, क्योंकि अभी मीन्स जो ट्रैवल करके आया ना बहुत इतना डस्ट। रोड एक्चुअली बहुत ठीक था लेकिन बीच बीच में जहाँ पे माउंट वो क्या बोलते हैं लैंडस्लाइड जहाँ पे होता है वहाँ पे मीन्स वो जगह पर मीन्स डस्ट था। लेकिन हम लोग जब लद्दाख में थे सिर्फ पेंगोंग वाला रास्ता खराब था, लेकिन बाकी सब ठीक था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा गंदा है। ठीक है चलो। Thank you.
सो गाइस यहाँ पे जितना भी मीन्स पीछे में ऐसा टाइप का आप लोग को दिख रहा है, मीन्स जितना भी आप लोगों ने देखा है सब एक एक जगह मीन्स एक एक फेस्टिवल के लिए बना हुआ है। और ये सब फेस्टिवल का टाइमिंग अलग अलग होता है, हम लोग को पता कैसे चला साइनबोर्ड देख के। और यहाँ पे देखिए बैठने के लिए भी पूरा जगह बना हुआ है, यहाँ पे फेस्टिवल अंदर में होता है, अंदर में यहाँ पे पूरा मीन्स डांस वांस या तो उन लोग का ट्रेडिशनल कुछ भी होता है, हम लोग को पता नहीं अभी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कब होता है करके। अगर पता होता तो हम लोग उसी टाइम पे आते। ये फेस्टिवल का नाम है, सॉरी ये ट्राइब का नाम है और मेन फेस्टिवल यहाँ पे लिखा हुआ है। और कौन सा टाइम में आना चाहिए ये फेस्टिवल होता है वो है अप्रैल। सो हर जगह का आई थिंक सो अलग अलग है गाइस, हमको पता नहीं है श्योरली, हम सारा बोर्ड नहीं पढ़ा लेकिन हाँ जितना भी समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग ऐसा टाइप में होता है, ऐसा टाइप हाउस टाइप नहीं बोल सकते कुछ है एग्जैक्टली, हम लोग को मीन्स एग्जैक्टली क्या वर्ड है वो हमको पता नहीं है। तो वही यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है जो मेन फेस्टिवल का नाम है ना, वो हॉर्नबिल फेस्टिवल है क्योंकि नीचे बड़ा से लिखा हुआ था। और अब भी यहाँ पे हम लोग ऐसे चिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है जगह। और ये हम लोग के पीछे पूरा माउंटेन है तो उसका वजह से क्या हो गया कि हम लोग को पूरा शैडो गिर रहे हैं हम लोग के ऊपर, तो उसका वजह से हम लोग को मीन्स थोड़ा मीन्स अच्छा विंडी मीन्स कोल्ड विंड मिल रहा है। और ऐसे सन है पूरा उस तरफ देखिए पूरा पूरी मीन्स धूप दे रहा है, कैमरा तो वो भी नहीं ले पा रहे, फोकस भी नहीं ले पा रहे, इतना होके रखा है। अभी शायद हम लोग यहाँ से अपने होम स्टे मतलब रूम जाने वाले हैं डायरेक्ट, शायद पता नहीं लंच करना भी है या नहीं, या हम लोग नहीं करेंगे शायद लंच, हम लोग करेंगे लंच पता नहीं कहाँ रुकना है, मैं कैमरा कैसे पकड़ रही हूँ। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप रूम पे और कुछ नहीं। सो हम लोग अपना होम स्टे में पहुंच गए। सो बहुत ही बेसिक सा होम स्टे है, कुछ वैसा है नहीं यहाँ पे दिखाने लायक, एकदम बेसिक होम स्टे, सिर्फ रहने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ पे फ़ैन नहीं है, पता नहीं बाहर ठंडा है लेकिन अंदर में गर्मी लग रही है बहुत, और फ़ैन नहीं है। एक बार देखते हैं विंडो खोल के। ओके बाहर तो बहुत ब्राइट है। अभी कुछ प्लान तो नहीं है, देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। घूमने का मन है लेकिन हम लोग का होम स्टे है बहुत ही अंदर में नीचे आके और मार्केट है ऊपर पे, तो हम लोग सोच रहे जाए या ना जाए, क्या करेंगे जाएंगे या नहीं। जाना है यहाँ पर बैठने से अच्छा तो बाहर चलते हैं ना घूमने। ये चप्पल निकालते हुए व्यू अच्छा है, ऐसे कुछ खराब नहीं है। हार दो। सो अभी हम लोग मैगी मीन्स इंजॉय कर रहे हैं और जो व्यू है वो मीन्स बहुत ही मज़ेदार है। हम अभी यहाँ का व्यू बहुत मज़ा है, मीन्स बाहर में मैगी खाने का मज़ा है। एक्चुअली सब लोग अंदर खा रहा था लेकिन हम लोग बाहर में खा रहे हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट में मैगी और ऐसा सनसेट के साथ मीन्स बहुत मज़ेदार। तो हम लोग का मैगी खाना हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा नीचे ट्रैक करने, जो एरिया था नीचे में ट्रैक नहीं जस्ट वॉक इवनिंग वॉक। सो हम लोग कैमरा से अभी व्लॉग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका बैटरी ख़त्म हो गया, चार्ज पे लगा के रखा है रूम में, तो अभी जस्ट नॉर्मली फ़ोन से व्लॉग कर रहे हैं। फ़ोन से भी अच्छा। ये जगह मीन्स पूरा चिल करने के लिए मीन्स वाइब चिलिंग वाइब वैसा टाइप का एरिया है, मीन्स पूरा पूरी पीछे में भी मीन्स माउंटेन आगे में भी माउंटेन। सो
कभी भी मीन्स यहाँ पे कोशिश करिए आप लोग की, मीन्स अगर आ सकते तो आइए, क्योंकि बहुत इतना देर हम लोग फोटो क्लिक कर रहा था और फाइनली अभी सनसेट हुआ है। सनसेट मतलब पूरा सनसेट हो गया है अभी, थोड़ा बहुत मीन्स वही इवनिंग टाइम का जो लाइट होता है वैसा होकर रखा है। तो अभी सोच रहे हम लोग क्या करें, ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करें या और भी कुछ करना बाकी है, क्योंकि पता नहीं कोई प्लान तो नहीं है, क्योंकि ग्रुप हम लोग ग्रुप में नहीं, हम लोग टूर कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग ही है, पीछे में बहुत जन है तो उस तरफ भी बहुत जन है, पता नहीं उन लोग का अगर कुछ प्लान होता है बाद में जाके तो जाके हम लोग कुछ वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बाद में हम लोग रूम में जाके नहीं, एक्चुअली बहुत दूर है यहाँ से, हम लोग को चल के जाना पड़ेगा। हाँ चलो till the trekking point. So from here till the trekking point it will be 1 hour 30 minutes, that will be drive. सो अभी हम लोग का ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करने वाले हैं, क्योंकि कल सुबह हम लोग न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा जुको वैली का, जुको वैली ट्रैक। सो तो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। सो अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे गाइस, बाय बाय।